गाइस कैसे आप लोग, आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज का एडिटिंग ना कुछ अलग ही होने वाला है, क्योंकि आज हम आप लोग को सिखाएंगे इंस्टाग्राम पोस्ट फोटो एडिटिंग, जिसमें आप लोग को सिखाऊंगा अपने फोटो कुछ इस टाइप से क्रैक करके कैसे एडिट कर सकते हो, वो भी बहुत ही कम टाइम में और बहुत ही आसान तरीका से। तो अगर आप लोग इस एडिट को सीखना चाहते हो तो प्लीज वीडियो कम्प्लीट देखे। और मैं बता दू, अगर मेरे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, क्योंकि मैं हमेशा ऐसे ही ट्रेंडिंग फोटो एडिटिंग लेके आता रहता हूँ। तो चलिए ज्यादा देर न करते हुए चलते आप लोग को अपने मोबाइल के स्क्रीन पे। तो सबसे पहले क्या कीजिएगा, आप लोग अपने पिक्सार्ट एप्लीकेशन को ओपन कर लीजिएगा, और पिक्सार्ट एप्लीकेशन ओपन करने के बाद आप लोग को नीचे प्लस वाला आइकन पे क्लिक करके उसके बाद आप लोग को एडिट ए फोटो पे क्लिक करके इस पर क्या करना है, आप लोग को यहाँ पे एक ऑप्शन मिल जाता है एक बैकग्राउंड का, जैसे कि देख सकते हो ये बैकग्राउंड का ऑप्शन है। सिंपली बैकग्राउंड वाले ऑप्शन पर जाएंगे और यहाँ से व्हाइट कलर को ले लेंगे, ठीक है। तो ये रहा व्हाइट कलर, तो सिंपली यहाँ से व्हाइट कलर का बैकग्राउंड को ले लेंगे और यहाँ पर आप लोग ध्यान से देखते रहे। तो व्हाइट कलर बैकग्राउंड लेने के बाद आप लोग को जाना है टूल्स वाले ऑप्शन पर, और टूल्स वाले ऑप्शन पे जाने के बाद आप लोग को कोने में मिल जाता है एक क्रॉप का ऑप्शन, तो सिंपली क्रॉप वाले ऑप्शन पे जाना है और इसको कर देंगे यहाँ पे पोर्ट्रेट साइज़ यानी इंस्टाग्राम साइज़, ठीक है। तो यहाँ पे इतना पे रख के और इसको कर देंगे डन। और इतना डन करने के बाद आप लोग ध्यान से देखते रहिए यहाँ पे क्या करना है। तो इसमें क्या करना है, इंस्टाग्राम का शॉर्ट स्क्रीन को ऐड करना है, ठीक है। तो यहाँ पे इंस्टाग्राम का शॉर्ट स्क्रीन ले लीजिएगा आप लोग, और यहाँ पे ऐड फोटो वाले ऑप्शन पर जाना है, और यहाँ पे जाने के बाद एक शॉर्ट स्क्रीन को ऐड करेंगे, जैसे कि इंस्टाग्राम का कोई पोस्ट शॉर्ट स्क्रीन होगा अपना, उसको ऐड करेंगे। और यहाँ पे ऐड करने के बाद आप लोगों को क्या करना है, सिंपली यहाँ पे क्रॉप का ऑप्शन मिल जाता है, सिंपली क्रॉप वाले ऑप्शन पे जाएंगे, और यहाँ पे क्रॉप वाले ऑप्शन पे जाने के बाद आप लोगों को क्रॉप करना है इसका ऊपर वाला पार्ट, ठीक है। जैसे कि ऊपर वाला पार्ट में होता है नेम, तो नेम को क्रॉप कर लेना है यहाँ पे, ठीक है भाई। तो मैं कुछ इस तरह से कर रहा हूँ, आप लोग भी कर लीजिएगा। तो यहाँ पर सिर्फ जो नाम है ये तो रोहित जी का है, तो इसका नाम ले लेता हूँ, ठीक है भाई। तो सिंपली इसको नाम को ले लेने कट करने के बाद इसको ऊपर साइड में आप लोग को रख देना है यहाँ पे कुछ इस तरह से, जैसा कि मैं रख रहा हूँ। तो यहाँ पे इतना पे रख देंगे, और इतना पे रख देने के बाद क्या करना है, आप लोग को फिर से एड फोटो वाले ऑप्शन पे जाना है, और यहाँ पे फिर से वही शॉर्ट स्क्रीन में जाएंगे, जो अपना शॉर्ट स्क्रीन आप लिए होइएगा उसमें जाएंगे, और यहाँ पे फिर से क्रॉप कीजिएगा। और क्रॉप करने के बाद इस बार क्या करेंगे हम, नीचे वाला पार्ट जो होगा ना, जैसे कि लाइक कॉमेंट का जो ऑप्शन आएगा नीचे, वो वाला पार्ट को ले लेंगे हल्का ही। तो यहाँ पे कुछ इस तरह से ले लेंगे इसको भी क्रॉप करके, और क्रॉप करके बाद मतलब करने के बाद लेने के बाद आप लोगों को क्या करना है, इसको नीचे साइड में रख देना है कुछ इस तरह से, ठीक है भाई। तो यहाँ पे कुछ इस तरह से रख देंगे, और रखने के बाद आप लोग को कर देना है डायरेक्ट यहाँ से डन। और डन करने के बाद देख सकते हो कुछ इस तरह से बैकग्राउंड हमारा हो गया है तैयार। और उसके बाद फिर से जाएंगे एड फोटो वाले ऑप्शन पर, और यहाँ से एक क्रैक PNG को ऐड करेंगे, ठीक है भाई। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कि क्रैक PNG ये है, तो सिंपली इस PNG को यहाँ पर एड कर देना है, ठीक है। एड करने के बाद इसको एडजस्ट कर लेंगे बीच में, ठीक है भाई। ज़्यादा सॉरी यहाँ पे ज़्यादा लंबा हो गया, तो इसको मतलब ज़्यादा साइज़ बड़ा हो गया तो इसको छोटा कर लेंगे कुछ इस तरह से, और इतना पे इसको एडजस्ट कर देंगे, ठीक है। और अभी आप लोग को डन नहीं करना है, डन नहीं करना है, साइड क्लिक करना है। उसके बाद आप लोग को यहाँ पे एड वाले ऑप्शन पे जाना है, और जो फोटो को आप लोग को बीच में एडजस्ट करना है मतलब क्रैक के अंदर में, तो यहाँ पे उस फोटो को ले लेंगे और एड कर लेंगे। और एड करने के बाद आप लोग को यहाँ पे लेयर वाले ऑप्शन पे जाना है, और इसको कर देंगे मूव डाउन, ठीक है। यहाँ पे रहा मूव डाउन का ऑप्शन, तो सिंपली इसको इतना पे कर देंगे तो कुछ इस तरह से हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद फोटो को आप लोग एडजस्ट कर लीजिएगा कितना पे रखना होगा उतना पे, और इतना कर लेने के बाद आप लोग को यहाँ पे इरेज वाले ऑप्शन पर जाना है, और इरेज वाले ऑप्शन पे जाने के बाद आप लोग को एक कोने मिल जाता है इन्वर्ट का ऑप्शन, तो ये रहा, तो सिंपली इन्वर्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे, और इन्वर्ट पे क्लिक कर देने के बाद आप लोग को रजिस्टर वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है, ठीक है भाई। तो यहाँ पे रजिस्टर वाले हार्डनेस को कर देंगे यहाँ पे 87, और साइज को हल्का छोटा कर लीजिएगा, हल्का ही ज़्यादा नहीं। उसके बाद कुछ इस तरह से इसको अंदर में अप्लाई कीजिएगा, तो जो फोटो लिए रहिएगा ना वो यहाँ पे वापस हो रहा है, देख सकते हो आप लोग कुछ इस तरह से। तो आप लोग को ये जो क्रैक PNG मैंने ऐड किया है उसके अंदर में ही इसको अप्लाई करना है कुछ इस तरह से, ठीक है। तो आप लोग ध्यान से देखते रहिए, हम वीडियो को थोड़ा फास्ट कर देते हैं ताकि वीडियो हमारा ज़्यादा लंबा ना हो, उसके बाद आप लोग को आगे बताते हैं। और कुछ इस तरह से आप लोग को अंदर में अप्लाई करने के बाद फोटो जो होगा क्रैक PNG के अंदर चला जाएगा, ठीक है भाई। उसके बाद आप लोग को यहाँ से कर देना है डन, ठीक है। और डन करने के बाद आप लोग को क्या करना है, यहाँ से भी इसको कर देना है डन। और यहाँ पे डन करने के बाद देख सकते हो फोटो का रिजल्ट कितना औसम यार, बहुत ही खतरनाक लग रहा है इस टाइप का फोटो एडिटिंग, जो कि इंस्टाग्राम पे आजकल बहुत ही ट्रेंड में चल रहा है, ठीक है भाई। तो आप लोग क्या करना है, यहाँ से इसको एकदम बेहतरीन क्वालिटी में गैलरी में सेव करने के लिए यहाँ पे सेव का ऑप्शन मिल जाता है, तो सिंपली सेव वाले ऑप्शन पर क्लिक कीजिएगा, तो ये फोटो जो होगा वो एकदम बेस्ट क्वालिटी में गैलरी में सेव हो जाएगा। तो आशा करता हूँ आप लोग को ये एडिट एकदम अच्छे तरह से समझ में आ गई होगी। और मैं बता दूँ, अगर आप लोग को वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। तो अपने भाई को दीजिए इजाज़त, मिलते हैं नेक्स्ट धमाकेदार फोटो एडिट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।